बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था और जनता से जुड़े मुद्दों पर मायावती ने योगी को घेरा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यूपी में सत्ता व विपक्ष के विधायकों से मेरी पुरजोर अपील है कि वो विधानसभा के चल रहे वर्तमान सत्र में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के विशेष मुद्दों को जरूर प्रभावी ढंग से सदन में उठाकर शासन प्रशासन को जिम्मेदार व जवाबदेह बनाएं। व्यापक जनहित की यही मांग है। वैसे तो विकास का मुद्दा सरकार के एजेंडे से काफी हद तक गायब है, किंतु महिला उत्पीड़न तथा दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मण समाज आदि के द्वेष की भावना से हो रही हत्याओं व अन्य अत्याचार आदि की, अर्थात यूपी में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आवाज जरूर उठाएं। समय की यही मांग है। बदहाल कानून व्यवस्था के कारण योगी सरकार पहले से ही कटघरे में है। यूपी में आए दिन हत्या, लूट, अपहरण और रेप की वारदातें सामने आ रही हैं। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इशारा यही है कि योगी को जनहित से जुड़े मुद्दों पर ही फंसाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।